प्यारे विद्यार्थियों, इसी सीरीज में जो हमारी चल रही है, ये भाग 5 है। तो चलिए शुरू करते हैं। राउल वेल मूल रूप से शिला पर लिखा गया काव्य है। आजकल यह शिला किस संग्रहालय में सुरक्षित है? राउल, अगर आपसे पूछा जाता है आदिकालीन शिलांकृत कृति कौन सी है, तो आपने रोड़ाकृत राउल वेल को टिक करना है। और आजकल यह है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई। राउल वेल से हिंदी की श्रृंगार परंपरा में किसका आरंभ होता है? राउल वेल से नखशिख परंपरा, यानी कि नख से सिर तक, पैर के नाखून से लेकर सिर तक की नारी सौंदर्य का वर्णन का शुरुआत होती है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता दामोदर शर्मा। 1953 ईस्वी में उक्ति व्यक्ति प्रकरण का प्रकाशन किसने किया? भारतीय विद्यापीठ मुंबई, भारतीय विद्यापीठ मुंबई। उक्ति व्यक्ति प्रकरण का मुख्य विषय व्याकरण, ये व्याकरण ग्रंथ है। वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? ज्योतिरेश्वर ठाकुर। दक्षिणी हिंदी में रचित गद्य पुस्तकें मेराजनामा और शहयारे के लेखक ख्वाजा बंदा नवाज, मेराजनामा और शहयारे ख्वाजा बंदा नवाज। 1272 मंझारी जेठ वदी नवमी बुधवारी नाले रसायन आरंभई सारदा तुठी ब्रह्म कुमारी ग्रंथ किसके आरंभ विषयक उद्धरण है? बीसल देव में। बीसल देव को 1212 माना जाता है, तो 1272 मंझारी तो बीसल देव। अस्त्रीय जन्म काई दीहौ महेश अंतर अतर जन्म थाई घना रे नरेश। तो स्त्री का जन्म क्यों दे दिया और बहुत से जन्म थे, ये कौन सी नायिका कह रही है? राजमती, जब उसके पति उन्हें छोड़कर उड़ीसा चले जाते हैं। 12 बरस लो कूकर जीवे औरु 13 को जिये सियार बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार, ये कहा गया है परमाल रासो जिसे आथिले, विद्यापति की भाषा की पद विद्यापति पदावली की भाषा मैथिली, इस कारण से इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। अभी बताया रासो ग्रंथ की भाषा कौन सी है? डिंगल और पिंगल। रासो ग्रंथों की भाषा कौन सी है? डिंगल और पिंगल। डिंगल राजस्थानी मिश्रित हो जाती है, पिंगल में ब्रज भाषा मिश्रित हो जाती है। हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण काल सबसे पहले किसने कहा? तो कहा जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ये आपको पिछले मैं वीडियोस में बता चुकी हूँ। भक्ति काल को माध्यमिक काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भक्ति काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने। रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल की समय सीमा कब तक बताई है? 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक, यानी कि 1050 से 1375 विक्रमी संवत आदिकाल, 1375 से 1700 विक्रमी संवत मध्यकाल या भक्ति काल कह सकते हैं, पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल, और 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक रीतिकाल, 200 साल का रीतिकाल हो गया जिसमें ब्रज भाषा थी, और उसके बाद के समय को 1900 विक्रमी संवत से आज तक आधुनिक काल। भक्ति काल को भक्ति साहित्य किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। भक्ति काल की समय सीमा 14वीं शती मध्य से 17वीं शती मध्य तक मानी डॉक्टर नगेंद्र जी ने। हिंदू शब्द का प्रथम उल्लेख 15वीं शताब्दी के किन राजाओं के शिलालेख में मिलता है? विजयनगर। महाभारत में किसे ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित किया गया? विष्णु, भगवान विष्णु को। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? श्वेताश्वेर उपनिषद। रट्टा मार लीजिए, श्वेताश्वेर उपनिषद का बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? किसका कथन है? आचार्य शुक्ल जी का। इस कथन की आलोचना की हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने और संशोधन करके ये बताया कि हमारे तो मानसिक ही है भक्ति, हमारे शुरू से ही चली आ रही है भक्ति, कोई ये नहीं है कि शक्ति या करुणा अपनी मतलब परेशान होकर पौरुष से हताश होकर हमने भक्ति का सहारा लिया, ये तो हमारे सदैव से चली आ रही है परंपरा, यह हमारी। आचार्य शुक्ल के उपरोक्त कथन का तर्क पूर्वक लो सेम क्वेश्चन आ गया एवं दृढ़ता से खंडन किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार की मनोवृत्ति में दो बातें संभव हैं, या तो अपनी आध्यात्मिकता आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पड़कर हार को भूल जाना। भक्ति काल में लोगों में प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति पाई गई, ये कथन किसका है? गुलाब राय जी का। ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध कथन है कि हार की मनोवृत्ति, यहाँ से पढ़ते ही आप बाबू गुलाब राय जी का नाम ले लिया कीजिए। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद प्रकट कबीर ने चहू दिशा नवखंड, ये कथन किसका है? डॉक्टर सत्येंद्र। बहुत जगह बहुत सी बुक्स में इसका आंसर गलत लिखा हुआ है, आप प्लीज सही करके सत्येंद्र ही कीजिए।
भक्ति का दर्शन आलवारों के किस प्रसिद्ध ग्रंथ में है? दिव्य प्रबंधम। दिव्य प्रबंधम आलवार भक्तों की जो पुस्तक का नाम क्या है? दिव्य प्रबंधम। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। वैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। ये सब कथन सूत्र वाक्य एक तरह से आचार्य शुक्ल जी के हैं। प्रसिद्ध आलवार स्त्री संत जो एक ही थी, ये भी आता है कि आलवार संतों में जो एक स्त्री संत थी वो उसका नाम क्या था? अंडाल आलवार। आलवार संतों की रचनाओं का संकलन दिव्य प्रबंधम किस संत ने किया? नाथ मुनि जी ने। भक्ति का आंदोलन कहाँ से प्रारंभ होता है? दक्षिण भारत से। भक्ति द्राविड़ उपजी लाय रामानंद का है ना, सत्येंद्र जी ने। भक्ति का आंदोलन कहाँ से? दक्षिण से। अद्वैतवाद के संस्थापक, अद्वैत मतलब ईश्वर एक है, द्वैत भाव नहीं है, दो नहीं है, एक न द्वैत नन तत्पुरुष समाज, शंकराचार्य जी ने। शंकराचार्य जी का जन्म किस प्रांत में हुआ? केरल में। अद्वैतवाद से प्रभावित है संत और सूफी कवि। विशिष्ट अद्वैतवाद के संस्थापक आचार्य रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय श्री रंगनाथ मुनि। रामानंद जी एवं तुलसी जी की किस भक्ति सिद्धांत से प्रभावित है? विशिष्ट अद्वैतवाद। रामानंद जी और तुलसीदास जी किस भक्ति सिद्धांत से प्रभावित है? विशिष्ट अद्वैत। द्वैतवाद के संस्थापक मध्वाचार्य। द्वैतवाद के संस्थापक कौन है? मध्वाचार्य। आनंद तीर्थ किस आचार्य का अन्य नाम है? मध्वाचार्य जी का बचपन का नाम आनंद तीर्थ कहा जाता है। विशिष्ट द्वैतवाद किस अन्य नाम से जाना जाता है? श्री संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय के संस्थापक विष्णु स्वामी। भेदाभेद या द्वैतावाद के संस्थापक आचार्य निम्बार्काचार्य। ये मैं पहले करवाई चुकी हूँ, पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। जीव ब्रह्म के साथ भिन्न भी है। जीव ब्रह्म के साथ भिन्न भी है, अभिन्न भी। जीव ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म अंशी है। भक्ति ही मुक्ति का साधन है। किस भक्ति सिद्धांत की मान्यता है? द्वैतावाद। जीव ब्रह्म के साथ भी है, देखिए अद्वैत हो गया, और अभिन्न भी है, मतलब द्वैत और अद्वैत दोनों ही है, तो द्वैताद्वैत। शुद्धाद्वैतवाद के संस्थापक वल्लभाचार्य जी। भगवान के अनुग्रह को ही भक्ति का संबल मानना चाहिए, इसलिए वल्लभाचार्य जी का मत कहलाता है पुष्टि मार्ग। यह पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य, शुद्धाद्वैत सब एक ही है। रामावत संप्रदाय के संस्थापक रामानंद जी। किसने राम भक्ति के साथ कृष्ण भक्ति और निर्गुण भक्ति के महत्व का भी प्रतिपादन किया? रामानंद जी। स्वामी हरिदास किस प्रसिद्ध संगीतकार के गुरु माने जाते हैं? तानसेन, जिसके गाना गाने पर वर्षा होने लगती थी, बहुत प्रसिद्ध संगीतज्ञ हैं, तो वो शिष्य थे स्वामी हरिदास जी के। संत काव्य के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी, और कबीर शब्द का अर्थ होता है महान। कबीरदास का जन्म काशी के किस तालाब से संबंधित है? लहर तालाब। ऐसा कहा जाता है कि उनके माता पिता ने उनका अभुक्त मूल में पैदा होने के कारण उनका माता ने त्याग कर दिया था, और नीरू और नीमा जुलाहा ने उन्हें उनका पालन पोषण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के मृत्यु स्थल है मगहर। ऐसा कहा जाता था कि जिसके मृत्यु काशी में होती है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस विचारधारा का खंडन और इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए वो अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले मगहर चले गए थे। कबीरदास का समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है? कबीर चौरा। कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद। कबीरदास की एकमात्र रचना कौन सी है? बीजक। किसने कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आचार्य शुक्ल जी ने तुलसीदास को अधिक महत्व दिया था, इस कारण से उनके थोड़ी सी कबीरदास से पार्शियलिटी हो गई थी, और फिर कबीरदास को प्रॉपर वही स्थान दिलाया जो उनका साहित्य में होना चाहिए। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। संत काव्य का प्रधान रस कौन सा है? शांत। महाराष्ट्र में हिंदू और मुस्लिमों के लिए जिस महान संत ने सामान्य भक्ति मार्ग का द्वार खोला वे थे नामदेव। संतों ने नारी की किस रूप की निंदा की है? कामिनी रूप की नारी की निंदा की है। ऐसा कहा जाता है ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये वचन तो है वैसे सगुण भक्ति धारा के तुलसीदास जी के, ये सब ताड़न के अधिकारी ऐसा कहा जाता है, लेकिन वो नारी का कामिनी रूप जो है, जो नारी का अभद्र अपवित्र रूप है, उसके लिए कहा गया है, और आज के समय में उसका गलत व्याख्या की जाती है। संतों की सुदुकड़ी भाषा से आशय है जिसमें अनेक क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हो। सुदुकड़ी मतलब अनेक क्षेत्रीय भाषाओं की, अनेक भाषाएं हैं, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं थे, घूम फिर के ही इन्होंने अनुभव प्राप्त किया, जैसे शब्द सुने उन्हीं में रचना कर दी। उलट मासी की सही व्याख्या है ऐसा कथन जिसका अर्थ प्रकट अर्थ से उलट हो, मतलब जो अर्थ दिया जा रहा है, जैसे मछलियां पेड़ पर चढ़ गई, इसका अर्थ क्या है? गलती है, लेकिन इसका अर्थ उल्टा लेना चाहिए। उलट बांसी लिखने की प्रेरणा कबीर को मुख्यतः कहाँ से मिली? सिद्धों और नाथों से।
यहाँ एक नातनी और नाथों से होना चाहिए। रैदास की रचनाओं के विषय में मतभेद है, परंतु किस पुस्तक में संकलित उनके पद प्रमाणिक माने जाते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में। कबीर अपने परम तत्व को राम कहते हैं, इसी परम तत्व को गुरु नानक जी ने क्या कहा? सबद। ये सगुण नहीं है, ये निर्गुण है, दोनों ही गुरु नानक देव जी और कबीर जी, और उनके राम निर्गुण राम है। सिख धर्म के वास्तविक प्रवर्तक गुरु नानक देव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान किस नाम से माना जाता है? ननकाना साहिब। सिखों के किस गुरु ने नानक के पदों का संकलन गुरु ग्रंथ साहिब में किया? अर्जुन देव जी ने। गुरु नानक देव जी के एक पुत्र भी विख्यात साधु हुए, उन्होंने उदासी संप्रदाय चलाया, उनका नाम है श्रीचंद। गुरु नानक देव जी के पुत्र श्रीचंद ने कौन सा संप्रदाय चलाया? उदासी संप्रदाय। उल्टा करके भी क्वेश्चन आ जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में किस सिख गुरु के अलावा किनकी रचनाएं? गुरु ग्रंथ साहिब में सभी सिख गुरुओं के अलावा किनकी रचनाएं हैं? संतों की भी, अभी पीछे आया ना, रैदास जी की रचनाएं हैं गुरु ग्रंथ साहिब में, तो संतों की हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में ये तो हो गया दादू दयाल का जन्म स्थान अहमदाबाद, दादू दयाल जी के गुरु का नाम वृद्ध भगवान। बहुत कम बच्चों को पता होता है, आप ध्यान रखिए, वृद्ध भगवान थे दादू दयाल जी के गुरु। दादू दयाल जी का देहावसान कहाँ हुआ? नराना में। अंगवधु का संकलन किसने किया? रज्जब। दादू दयाल का संपादन किसने किया? परशुराम चतुर्वेदी। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार दादू के काव्य में किस तत्व की व्यंजना अधिक है? प्रेम की। दादू जी की स्वरचित रचनाएं हैं अनभयवाणी और काया बेली। दादू जी की रचनाएं अनभयवाणी और काया बेली, ये मिलान करो में मैंने दो तीन बार क्वेश्चन देखा है अनभयवाणी। कबीर के उपरांत उनकी गद्दी किसे प्राप्त हुई? धर्मदास जी। और उनकी जाति क्या थी? बनिया। काफी सारे इनमें से क्वेश्चन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए होते हैं, तो आप उन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देखकर भी इनके आंसर सीख सकते हैं, याद कर सकते हैं। और प्लीज प्लीज अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगा है जो आपको पहले नहीं आता था या आने के बावजूद आप भूल गए थे, तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में इसे शेयर भी कर दीजिए। तो और नीचे अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें फीडबैक भी मिलती है, थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है। प्लीज़ प्लीज़ अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर दीजिए। अगर आप टीचर से कुछ सीख रहे हैं तो आपके लिए ये भी रहता है कि एक लाइक या एक कमेंट अगर आप करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। आगे चलते हैं। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, उक्ति किसकी है? दास मलुका कह गए सबके दाता राम, मलुक दास जी की है, उन्होंने और वे में कही थी, और ये आलसियों का महामंत्र बना हुआ है आजकल। संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि सुंदरदास जी माने जाते हैं। सुंदरदास जी के गुरु का नाम, सुंदरदास जी के गुरु का नाम दादू दयाल। सुंदरदास शास्त्रीय ढंग से एकमात्र निर्गुणीय कवि है, ये किसने कहा? हजारी प्रसार लिखा हुआ है, प्रसाद होना चाहिए, प्रसाद द्विवेदी। गुरु अर्जुन देव के लगभग कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं? 6000। रामानंद जी के गुरु का नाम राघवानंद। देखिए राघवानंद के शिष्य रामानंद के शिष्य कबीरदास जी, रामानंद जी के 12 शिष्यों को उल्लेख आता है। वैसे निर्गुण कवियों को राम शब्द किसकी देन है? रामानंद जी की। सुंदरदास जी की काव्य भाषा क्या है? ब्रजभाषा। चिश्तिया संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा अबू इसहाक सामी चिश्ती, वैसे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती संप्रदाय के सर्वप्रसिद्ध गुरु रहे हैं। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती चिश्तिया संप्रदाय के किस पीढ़ी में हुए? 7वीं पीढ़ी में। मोहम्मद गौरी ने अपनी अंतिम सफलता की याद में मुइनुद्दीन चिश्ती के लिए अजमेर में एक मंदिर तुड़वाकर मस्जिद का निर्माण करवाया, और ये मस्जिद किस नाम से प्रसिद्ध है? ढाई दिन का झोपड़ा। ढाई दिन का झोपड़ा याद रखिए, मोहम्मद गौरी जी ने मंदिर को तुड़वाकर ये ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के लिए बनाया था। सुहार वर्दिया संप्रदाय के संस्थापक शहाबुद्दीन सुहार वर्दी, सूफी संप्रदाय की बात चल रही है इसमें। कादरिया संप्रदाय के अब्दुल कादिर जिलानी, अब्दुल कादिर भी आता है और जिलानी भी आता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार प्रथम सूफी कवि कौन है? ईश्वरदास। बहुत बार क्वेश्चन आता है। अच्छा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार प्रथम सूफी कवि हैं ईश्वरदास, और रामकुमार वर्मा जी के अनुसार प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद, और नगेंद्र जी के अनुसार असाइत। ठीक है, नगेंद्र, असाइत, रामकुमार वर्मा, मुल्ला दाऊद और हजारी प्रसाद द्विवेदी, ईश्वरदास, उर्वशी। अच्छा, इसको ऐसे याद कर लीजिए, हजारी ईश्वर, रामकुमार मुल्ला उकी मात्रा आ गई, और नगेंद्र असाइत। उर्वशी पुरुर्वक प्रेमाख्यान किस ग्रंथ में वर्णित है? ऋग्वेद में, जो प्रथम वेद माना जाता है।
नल दमयंती प्रेम आख्यान किस ग्रंथ में वर्णित है? महाभारत में। नल दमयंती महाभारत में और उर्वशी पुरूरवा ऋग्वेद में। किन प्रेम आख्यानकों में नायक प्राय नायिका की खोज में पंडित भिक्षु ब्राह्मण तपस्वी आदि रूप धारण करके उससे मिलने की कोशिश करने का कोशिश करता है? सूफी। सूफी काव्य का मूलाधार क्या है? प्रेम। सूफी काव्य का मूलाधार अद्वैत भी है, प्रेम भी है, और नारी को ईश्वर के रूप में माना गया है। किस प्रसिद्ध कवि ने अपनी आत्मकथा में बताया है कि इस युग यानी के भक्ति काल के युवक सूफी प्रेम आख्यानों को पढ़ने के लिए सदा ही लालायत रहते थे? ये बात कही बनारसी दास जैन ने। सूफी कवियों के द्वारा अपनाई गई मसनवी शैली से क्या अभिप्राय? मसनवी शैली क्या होती है? देखिए, रचना, कोई भी रचना के आरंभ में ईश्वर की वंदना की जाए और पैगंबर की स्तुति की जाए, शाहे वक्त की प्रशंसा की जाए और उसके बाद गुरु की वंदना की जाए, तो उसे मसनवी शैली कहा जाता है। कुतुबन रचित प्रेमाख्यान का नाम क्या है? मृगावती। कुतुबन मृगावती। आसाइत होना चाहिए, आसादत लिखा हुआ है। आसाइत रचित प्रेमाख्यान का नाम क्या है? हंसावली। आसाइत, हंसावली, कुतुबन मृगावती। हंसावली प्रेमाख्यान का रचना स्रोत है विक्रम बेताल की कथा। हंसावली प्रेमाख्यान का रचना स्रोत विक्रम बेताल की कथा। मृगावती कौन सी विधा जानती थी? हवा में उड़ने की। मृगावती स्टोरी के हिसाब से कौन सी कला जानती थी? हवा में उड़ने की। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के मूल में किस शब्द को अधिकाधिक मान्यता मिली है? सूफ। सूफ का मतलब होता है ऊन और पवित्र भी माना जाता है। चंदायन कृति है मुल्ला दाऊद की। चंदायन का कथा नायक लोर, यहाँ चांदायन लिखा हुआ है, वैसे चंदायन मैंने ज्यादा पढ़ा है, आ की मात्रा नहीं आएगी। कृति है मुल्ला दाऊद की, कथा नायक है लोर और सॉरी हीरोइन है चंदा। लोरक चंदा की स्टोरी भी कहते हैं, लोरक चंदा भी कहा जाता है चंदायन को। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। आगे हम करेंगे अगले पार्ट।